हेलो गाइस, आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट है। आज हम रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन में फंक्शनल डिपेंडेंसीज पढ़ेंगे। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज बताती है कि एक एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट के साथ क्या रिलेशन है। ये डेटाबेस की क्वालिटी को मेंटेन करने में हमारी मदद करती है और फंक्शनल डिपेंडेंसी को हमेशा हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट्स का डेटाबेस है जिसमें तीन तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। अब हम क्या कह सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी नेम्स को, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं उसे, स्टूडेंट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी नेम्स को, क्योंकि अगर हमें कोई स्टूडेंट आईडी मिले तो हम आराम से बता सकते हैं कि उसके साथ क्या नेम एसोसिएटेड है इस तरह से। तो अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है फंक्शनल डिपेंडेंसीज की तरह, तो हम इसे इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करेंगे और कहेंगे नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि एट्रीब्यूट बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए। तो अगर यहाँ पे कंडीशन होती ये वाली, यहाँ पे अगर एक और टपल होती तब भी तो हम यही कह सकते थे ना कि स्टूडेंट आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी नेम को, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नेम यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा स्टूडेंट आईडी को, क्योंकि क्या हो गया, आरएचएस जो है हमारा, ये हमारा आरएचएस है हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यूज है वो रिपीट हो रही है। तो जो दो वैल्यूज रिपीट हुई है अजय की, तो हम कैसे बता पाएंगे कि अजय की 101 आईडी होगी या 104 वाली। तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी कभी भी होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि ये वाली वैल्यूज हमेशा यूनिक होनी चाहिए, और अगर ये यूनिक नहीं है तो एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ बी सेम होनी चाहिए ए के लिए। अब इस तरह के रूल्स के बारे में हम आगे भी समझेंगे जब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के। अब हम देखते हैं कुछ रूल्स फंक्शनल डिपेंडेंसीज के। तो सबसे पहला हमारा रूल है रिफ्लेक्सिव रूल। ये कहता है कि इफ एक्स इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड वाई इज सबसेट ऑफ एक्स, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स और वाई उसका सबसेट है, तो एक्स होल्ड्स वाई, तो हम लिख सकते हैं एक्स होल्ड्स वाई, या फिर एक्स इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग वाई। दूसरा रूल हमारा है ऑगमेंटेशन रूल। इसमें हम कह रहे हैं कि अगर एक्स फंक्शनली डिटरमाइन करता है वाई को और सी को एट्रीब्यूट सेट है, तब एक्स सी वाई सी होल्ड करेगा। तीसरा रूल हमारा है ट्रांजिटिविटी रूल। ये कहता है कि अगर x फंक्शनली डिटरमाइन करता है y को और y फंक्शनली डिटरमाइन करता है z को, तो हम ये कह सकते हैं कि x फंक्शनली डिटरमाइन करेगा z को भी इस तरह से, y z को। तो इन दोनों की मदद से हम कह सकते हैं x फंक्शनली डिटरमाइन करेगा z को भी। चौथा रूल हमारा है यूनियन रूल। इसमें हम कह रहे हैं कि अगर x फंक्शनली डिटरमाइन करता है y को और z को भी, तो हम इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं, ये डिटरमाइन करेगा y z दोनों को। पांचवा रूल हमारा है स्प्लिटिंग रूल। ये कहता है कि अगर x y z को फंक्शनली डिटरमाइन करता है तो इसको हम स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, अकेले y को और अकेले z को। इस तरह से हमारे कुछ रूल्स होते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज के। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो हमारे पास चार तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं, मल्टी वैल्यूड, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल और ट्रांजिटिव। इन चारों को हम एक एक देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी के बारे में। तो ये तब अकर होती है जब किसी भी टेबल में मोर देन वन इंडिपेंडेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो। तो हम इस चीज को अपने एग्जाम्पल से समझते हैं।
तो हम कह रहे हैं कि ये कुछ बाइक्स का डेटाबेस है, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जो बाइक्स बनाती है, इसमें बाइक के मॉडल स्टोर है, उनका मैन्युफैक्चरिंग ईयर और कलर। तो अगर हमें ये देखना है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है और कलर है, ये दोनों एक दूसरे पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर और कलर, ये दोनों एक दूसरे पे तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये बाइक मॉडल पे टोटली डिपेंडेंट है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो बाइक मॉडल है वही तो फंक्शनली डिटरमाइन करेगा मैन्युफैक्चरिंग ईयर को, और वो फंक्शनली डिटरमाइन करेगा कलर को भी। या फिर अगर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बाइक मॉडल, कलर इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बाइक मॉडल, तो हमारे पास यहाँ पे दो दो इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और कलर, इसलिए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहलाएगी। अब हम देखते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहती है कि अगर किसी एक एट्रीब्यूट की डिपेंडेंसी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स पर है और वो एट्रीब्यूट खुद उस सेट में मौजूद है, तो हम उस डिपेंडेंसी को कहेंगे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये हमारा एम्प्लॉयज का डेटाबेस है। तो अगर हम कहें कि एम्प्लॉय आईडी और नेम ये एक सेट में है और ये फंक्शनली डिटरमाइन करेगा एम्प्लॉय आईडी को, तब हम कह सकते हैं कि ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी खुद भी तो एक सबसेट है इस सेट का। तो हमने क्या कहा था कि अगर किसी एक एट्रीब्यूट की डिपेंडेंसी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स पर है और वो एट्रीब्यूट खुद उस सेट में प्रेजेंट है, तो इसलिए हम उसको कहेंगे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हम देखते हैं नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। तो ये कहती है कि अगर जो बी है वो सबसेट नहीं हो ए का, तो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। तो हम अब इसको अपने एग्जांपल से समझते हैं। तो ये एक डेटाबेस है जिसमें कंपनीज का नाम स्टोर्ड है, उनके सीईओज का और उनकी एजेस का। तो अगर हम कहें कि कंपनी इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग सीईओ, तो ये तो सही है, क्योंकि अगर हमें कंपनी के बारे में पता है तो हमें सीईओ का नाम पता होता है। लेकिन अगर हम कहें सीईओ इज सबसेट ऑफ कंपनी, तो ये बात तो गलत है, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये हमारी एक नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो गई। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या कहती है? ये कहती है कि अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी ट्रांजिटिव तभी होगी अगर वो फॉर्म होगी दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज के द्वारा। तो अगर हम कहते हैं कि एक्स फंक्शनली डिटरमाइन करता है वाई को और वाई फंक्शनली डिटरमाइन करता है जेड को, तो इन दोनों की मदद से हम कह देंगे एक्स फंक्शनली डिटरमाइन करेगा जेड को भी। तो यही हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। तो अब अगर हम अपना एग्जांपल देखें, जो डेटाबेस था हमारा कंपनी के नाम का और उनके सीईओ और एजेस का, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें कि जो कंपनी है वो फंक्शनली डिटरमाइन कर सकती है सीईओ को, क्योंकि अगर हमें कंपनी का नाम पता है तो हम सीईओ का नाम जान सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें सीईओ का नाम पता है तो हम उनकी एज जान सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सीईओ इज फंक्शनली डिटरमाइनिंग एज। तो इन दोनों के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो फंक्शनली डिटरमाइन करेगी एज को भी, और ये हो गया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब हमें हमेशा ये याद रखना है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तभी पॉसिबल होगी जब किसी टेबल में तीन या तीन से ज्यादा एट्रीब्यूट्स मौजूद हो, जैसे कि इस टेबल में है कंपनी सीईओ और एज, क्योंकि हमें यही तो दिखाना है कि अगर कोई एट्रीब्यूट
दूसरे एट्रीब्यूट को फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है और दूसरा एट्रीब्यूट तीसरे एट्रीब्यूट को, तो पहला एट्रीब्यूट भी तीसरे एट्रीब्यूट को फंक्शनली डिटरमाइन कर सकता है और ये हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में काफी काम आती है जो हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।